हाँ जी, तो पहले हमें जब तक सेंटेंस बनाना नहीं आएगा तब तक हम एक्टिव और पैसिव दोनों के बारे में नहीं जान पाएंगे कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। तो पहले हमें जानना है सेंटेंस बनाना। अच्छा, हम लोग जैसे बात कर चुके हैं कि सेंटेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश और हिंदी में जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वो कुछ इस तरह है। राम इट्स अ मैंगो, ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है कि राम और उसके बाद वर्ब है खाता है एक आम। क्लियर है बेटा? लेकिन हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में कुछ इस तरह का होता है, राम उसके बाद आम और उसके बाद खाता है, ऐसा बोलते हैं हम। क्या बेटा, वैष्णवी ऐसा ही बोलते हैं ना हम? बोलिए, इज इट? यस सर। तो यहां पे हमने क्या देखा कि हमारे पास जो हिंदी और इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। यहाँ राम जो है वो सब्जेक्ट है, ये सही है, लेकिन वर्ब जो है ना वो है ये खाता, और ऑब्जेक्ट है हमारा आम। क्लियर? मतलब राम और उसके बाद वर्ब खाता जो है वो बाद में बोलते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को हम पहले बोलते हैं, जबकि इंग्लिश में हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब हमें पढ़ना है एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है जो सब्जेक्ट होता है वो पहले आना चाहिए, जो काम करता है उसको पहले बोलना चाहिए। चलो मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आपको पहचानना है कि एक्टिव है कि पैसिव है। सुयस यस एक सर। पेज लिखता है, सुयस एक पेज राइटिंग लिखता है, ये एक्टिव है कि पैसिव है? सेंटेंस। एक्टिव। चलो दूसरा, एक फ्राइडे का होमवर्क वैष्णवी कंप्लीट करती है। पैसिव है। बिल्कुल सही। हमने क्या किया कि अगर ये बोलते हम कि वैष्णवी जो है वो फ्राइडे का होमवर्क कंप्लीट करती है तो ये एक्टिव हो जाता, ये हो जाता एक्टिव। लेकिन यहाँ पे वैष्णवी को हमने बाद में बोला और हम बोले फ्राइडे का होमवर्क वैष्णवी कंप्लीट कर रही है, तो ये हो गया पैसिव। ठीक है? तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट शुरुआत में आए तो वो एक्टिव स्टेटमेंट है, और जब सब्जेक्ट बाद में आए तो हम कहेंगे उसे पैसिव। अब जब एक्टिव और पैसिव को हमने समझ लिया कि एक्टिव और पैसिव कुछ इस तरह का है, तो हम लोग हर एक टेंस के बारे में बात करेंगे। यानी हम पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसी को पता है प्रेजेंट टेंस क्या होता है बेटा? कोई बच्चा जानता है प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? टेंस के बारे में जानता है, टेंस क्या होता है? बोलिए प्रकृति, टेंस क्या होता है बेटा? बोलिए बेटा, टेंस किसे कहते हैं? टेंस क्या होता है? नहीं मालूम तो डायरेक्ट बोल दीजिए नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है। वैष्णवी, टेंस पता है बेटा, टेंस क्या होता है? नो सर। और आप बताएंगे सांभवी, टेंस क्या होता है? और आप सुयस, मुझे लगता है सुयस कुछ तो बताएंगे। सुयस वॉन्ट स्टॉप। बोलिए सुयस, टेंस क्या होता है बेटा? डोंट क्या बेटा? सर, नहीं पता। नहीं, क्लियर आवाज नहीं आया बेटा, टेंस का पूरा क्लियर आवाज नहीं आया। सर नहीं पता। ओ नहीं पता। सर हाँ बेटा बोलिए बोलिए। सर काल। काल तो ठीक है, लेकिन मैं बताता हूं, टेंस बताता है हमें टाइम के विषय में। वैष्णवी, टेंस हमें बताता है टाइम के विषय में, और ये जो टाइम है वो हम तीन हिस्सों में बांटे हैं। एक पहले वाला जो बीत गया,
समझ गई? एक वो वाला जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट, और एक जो आने वाला है, मिटा सकते हो। ठीक है? और एक क्या है हमारा, जो आने वाला है, जिसको हम कहेंगे फ्यूचर। तो हम दो तीन तरह के टाइम के बारे में बात करते हैं बेटा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट का मतलब क्या हुआ बेटा वैष्णवी? मतलब जो बीत चुका है, जैसे वैष्णवी क्लास वन में पढ़ती थी। तो ये कौन से टेंस के बारे में हम बात बोल रहे हैं? पास्ट के बारे में। वैष्णवी क्लास सिक्स में पढ़ती है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। और वैष्णवी एमबीबीएस की पढ़ाई करेगी, ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर। फ्यूचर। वैष्णवी मुझे मिठाई खिलाएगी, यस ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। तो हम लोग का गोल यही रहता है बेटा कि जो फ्यूचर है उसको हम पाए, मतलब जो भविष्य में आने वाला जो अच्छी अच्छी चीजें है बेटा उसको हमें पकड़ना है। तो अब हमने तीन टेंस के बारे में जाना। अच्छा, तो क्या ये तीनों टेंस में हमें ये एक्टिव पैसिव चेंज करना सीखना होगा? बोलो बच्चों, क्या ये तीनों ही टेंस में हमें एक्टिव पैसिव सीखना होगा? बोलो। यस सर। क्या प्रकृति? बोलो बेटा, अगर हमने ये तीन टेंस के बारे में बताया है, तो हमें क्या ये एक्टिव और पैसिव जो है वो तीनों ही टेंस में सीखना है, या केवल एक टेंस में सीखना है, या एक टेंस में ही होता है? बताइए। पास्ट में और प्रेजेंट में शायद बोलिए तीनों में बेटा। सीखना। बिल्कुल, तीनों में सीखना होगा, कोई अलग नहीं है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा छोटा छोटा क्लासिफाई करेंगे बेटा। थोड़ा बड़ा पार्ट तो है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको मैं छोड़ू नहीं कुछ बताना। चलिए, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा हम प्रेजेंट टेंस को अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है जो अभी हो रहा है, ठीक है? जो हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, तो वैष्णवी एक क्वेश्चन मैं देता हूं। वैष्णवी रीड्स न्यूज़पेपर। मुझे आप लोग में से कौन कौन बच्चा है जो इसका सही सही हिंदी बताए? वैष्णवी रीड्स न्यूज़पेपर। बोलिए इसका मतलब क्या है? बोलिए। सर वैष्णवी पेपर पढ़ पढ़ रही है। चलिए, आपने बताया पेपर पढ़ रही है, आप बताइए प्रकृति सांभवी। सर हाँ बेटा, वैष्णवी न्यूज़पेपर पढ़ती है। पढ़ती है। वैष्णवी ने बोला कि वैष्णवी न्यूज़पेपर पढ़ती है। सांभवी तुम बताओ बेटा, दोनों का मोबाइल थोड़ा डिस्टेंस पे रखो, क्योंकि उसकी वजह से ये कुकू आवाज आ रहा है, ठीक है? एंड इट्स नॉट म्यूजिकल, तो उतना मजा नहीं आ रहा है। चलो बोलो। बोलो सर वैष्णवी पेपर पढ़ चुकी है। वैष्णवी न्यूज़पेपर पढ़ चुकी है, ये सांभवी ने कहा। मैं बताता हूं कि वैष्णवी न्यूज़पेपर पढ़ती है, ये सही है, मतलब लास्ट में होगा ती है, ठीक है? और अब एक बात बताओ कि जब मैं ये बोलता हूं कि वैष्णवी न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो इसका मतलब क्या होता है? पढ़ चुकी है या कब तक पढ़ेगी, कुछ हमें पता रहता है क्या बेटा? बोलिए। नो तो मतलब हमारे पास ये जानकारी नहीं होती कि वैष्णवी कब तक पढ़ेगी। बेटा इसको जानबूझ के इधर किया हूं मैं। वैष्णवी कब तक न्यूज़पेपर पढ़ती है और कब खत्म करेगी, इसका हमको जानकारी नहीं है। तो हम लोग इस तरह के प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं इनडेफिनिट। क्या हम बोलते हैं? इन डेफिनिट प्रेजेंट टेंस, इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, है ना? जिसको हम प्रेजेंट इनडेफिनिट भी कह सकते हैं, और इसका एक और नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या हम बोलते हैं इसको? सिंपल
प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। लेकिन बेटा इसको पहचानने का तरीका है ये वाला पार्ट, जो वैष्णवी या प्रकृति इन दोनों में से कोई एक बोला था। इस तरह के वाक्य में, इस तरह के सेंटेंस में हमेशा अंत में क्या होता है? खाता है, ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, खेलते हैं, समझ गया ना? जाती है, आती है, लिखती है, बोलती है, सुनती है, मतलब सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है बेटा? ता है, ती है, इस तरह का चीज। समझ में आया? तो अब मैं लिखता हूं यहां पे, आई राइट ऑन वन नोट, आई राइट ऑन वन नोट। मुझे बताओ बेटा इसका मीनिंग क्या निकलता है हिंदी में? प्रकृति, मैं एक नोट पर लिखती हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही। ती हूँ, सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं बेटा। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के बारे में बात कर रहे थे। इंग्लिश बहुत छोटा पार्ट नहीं है बेटा, इंग्लिश में हमें बहुत छोटी छोटी चीजों को मिला के पढ़ना है। तो इंग्लिश में जब हम बात करते हैं ना सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट का मतलब अपने आप में बहुत बड़ा है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप लोग को पता है हम किसके बारे में बात करते हैं? हम अपने बारे में बात कर सकते हैं, हम लोगों के बारे में बात कर सकते हैं, मैं तुम्हारे बारे में बात कर सकता हूँ, या तुम लोग के बारे में बात कर सकता हूँ। सांभवी, म्यूट करके रखो बेटा। देखिए, मैं वह किसी लड़के के बारे में बात कर सकता हूँ, किसी लड़की के बारे में बात कर सकता हूँ। दिस, यह, दैट, वह, कोई सामान, कोई भी चीज हो उसके बारे में बात कर सकता हूँ, है ना? किसी भी चीज के बारे में बात कर सकता हूँ मैं, इट बताता है। या मैं उन लोगों के बारे में बात कर सकता हूँ, इन लोगों के बारे में बात कर सकता हूँ, वे लोग जो पार्क में खड़े हैं उन लोगों के बारे में बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कि सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, मैं जिनके बारे में बात करता हूँ वो सारे के सारे इसी लाइन में खड़े हैं। समझ गई? ये पूरा का पूरा मैंने सब्जेक्ट का लिस्ट दिया है, इससे ज्यादा सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट में हम क्या लेते हैं बेटा? या तो मैं अपने बारे में बात करूं, या तो आपके बारे में बात करूं, या तो मैं किसी कुछ कुछ को के बारे में बात करूं, या मैं प्लूरल को बात करूं। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? मुझे बताइए प्रकृति, सिंगुलर और प्लूरल प्लूरल का एग्जाम्पल भी दीजिएगा। बोलिए बेटा। सर, सिंगुलर सर कोई सर एक सिंगुलर में ही लाइक्स दैट केक। देखिए, एक चीज तो सबसे पहले याद रखिए बेटा, रुक जाइए, मैं पहले आप लोगों का चेहरा देख लूँ एक बार। प्रकृति, आपको भी कैमरा ओपन करना है बेटा, और सांभवी आपको भी ओपन करना है, मतलब नो वे टू एस्केप। चलिए सांभवी। अच्छा सांभवी, ये बताओ सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? और जब भी आप बोलो बेटा तो पूरा बोलना है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम आधा सेंटेंस बोल के खत्म कर दें। सर सिंगलर कोई एक ही चीज को बुलाता है और प्लूरल सर कोई बहुत सारी चीज को। सही है। सुयस, एग्जांपल दो। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, जैसे नाइफ, NIKNIFE, नाइफ मतलब चाकू, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सर सिंगुलर। तो इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे हम, बताओ प्रकृति, नाइफ को? अगर हमें एक से ज्यादा चाकू के बारे में बात करना हो तो हम कैसे बनाएंगे नाइफ को प्लूरल?
बोलो वैष्णवी। नहीं पता सर। ओ तो फिर हमें थोड़ा और बैक जाना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को पढ़ना है और हमको कोई भी चीज नहीं छोड़ना है, समझ गई? इसलिए कोई इशू नहीं है, हमारी इंग्लिश जमीन से सही होनी चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगुलर, मतलब जब वो हम किसी एक के बारे में बात करते हैं, वन, हम क्या इंडिकेट करते हैं? किसी एक के बारे में। और प्लूरल मतलब हम एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं, मोर देन वन, मोर देन वन के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है? तो जनरल केस में हम जानते हैं कि हम लोग एस या ई एस ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं हम? एस या ई एस। जैसे अगर मैं बोलूं कि काऊ सिंगुलर है, तो काऊ को प्लूरल कैसे लिखेंगे हम? काउज होगा। लेकिन यही अगर बॉक्स हो तो इसको प्लूरल कैसे करेंगे हम? सर ईएस करेक्ट, बॉक्सेस। बॉक्स अगर हमारा मैंगो हो तो इसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? सर ईएस। मैंगोज। क्लियर? तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा याद रखिएगा कि ये जो भी चीज है वो ऑब्जेक्ट है, ये जो भी चीज है वो ऑब्जेक्ट है जिसको काउंट कर सकते हो, समझ गई? मतलब वाटर को प्लूरल कैसे बनाओगे बताओ? वाटर वाटर को रहेगा प्लूरल पर वाटर्स होगा या क्या होगा बोलो? सर वाटर तुम बताओ, प्रकृति। बोलो बेटा। वाटर नहीं बेटा, देखो ये वाटर जो है ना, इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। हाँ हम इसके साथ कुछ और वर्ड लगा सकते हैं, क्योंकि वाटर को गिनती नहीं कर सकते हैं। काउंट कर सकती हो पानी को क्या? नहीं। तो नो एस सर। एस सी एस नहीं लगाएंगे हम, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं मोर वाटर, लेस वाटर। ठीक है? ज्यादा पानी बोल सकते हैं, अलॉट ऑफ वाटर, फिल्ड विथ वाटर, इस तरह का वर्ड यूज कर सकते हैं। बट वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम सिंगुलर और प्लूरल इसका नहीं बना सकते। अच्छा बेटा एक मिनट रुक जाओ, एक आज कुछ काम है, तो मैं 10th वाले का टाइमिंग कल सुबह 10 का दे देता हूँ। तो सारे बच्चे 10th वाले जो है ना, वो कल सुबह 10 बजे ज्वाइन करेंगे। रुक जाओ। कल संडे है। संडे है कल। चलिए तो यहां क्या करेंगे हम कि काऊ का काउज हो गया, लेकिन इसी तरह से कुछ कुछ नियम और बदल जाता है। जैसे जिस वर्ड के अंत में एफ या एफ ई हो, जैसे अभी हमने बोला था नाइफ, KNIFE, या अगर हमने बोला है लाइफ, LIFE, या अगर हम बोलते हैं WIFE, वाइफ, तो इन सबों को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा? नाइव्स। क्या होगा? नाइव्स, लाइव्स। और यहां क्या होगा? विब्स। एफ और एफ ई को रिमूव कर देंगे। आप देखो अगर ध्यान से, तो हमने एफ या एफ ई को हटा दिया। क्या किया हमने? एफ या एफ ई को हमने क्या किया? रिमूव किया। डब्ल्यू लगा दिया।
और उसके बाद हमने वीई एस डाल दिया। एक मिनट, यहाँ गलती से डब्ल्यू आ गया, इसको हटा देते हैं हम। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा नाइव्स। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल यही सही है। कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे प्रूफ, इसको जब प्लूरल बनाते हैं तो ये बन जाता है क्या, प्रूफ्स, सिर्फ एस लगता है, रूप्स, इसमें रग लग जाता है आपको सीधे रूप्स। तो ये भी है, क्लियर है बच्चों? यस सर। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने में हम लोग इस तरह का यूज करते हैं। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाला मैं एक एक्सरसाइज भी भेज दूंगा। अब एक और चीज बताता हूँ, बहुत फनी चीज है और इसमें मैं गलती करता था। तो कभी कभी क्या होता है, आपसे मैं पूछता हूँ, टूथ मतलब दांत होता है, इसका प्लूरल क्या होगा बेटा? बोलिए, इसका प्लूरल क्या होगा? यस, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, क्या होगा सांभवी, बताओ? सर टूथ, सर पहला वाला, पहला वाला। तुम बताओ अंतिम वाला। चलो तुम बताओ प्रकृति, आपको मैं बताता पहला वाला। ये सब गलत है बेटा, टूथ का ना तो टूथ्स होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ये अजूबा है। इसमें हम ये वॉवेल को चेंज करते हैं और ये बनता है टिथ। क्या बनता है? टिथ। समझ में आया? हमको भी लगा था ये। क्या गलती करते हो तुम लोग। अब देखो, मैन, मैन का प्लूरल क्या होगा सर? मैन, मैंस होगा, एम ई एन, मैन, या मैनेस होगा, क्या होगा? यहाँ भी वॉवेल चेंज करेंगे, सर मैन, मैन हो जाएगा। अब बच्चा गलती करने वाला नहीं है, नहीं, बच्चों को पता चल गया कि सर गलती करवा रहे हैं हमसे जबरदस्ती। चलो ठीक है बच्चों, करेक्ट। तो मैन का क्या हो गया? मेन, यहाँ वॉवेल चेंज हो गया। और मैंने आपको बोला था ना कि मुझसे एक गलती होती थी, तो वो गलती क्या थी वो बताता हूँ। मैं पटना वुमेन्स कॉलेज, जो हाई कोर्ट के पास माउंट कार्मेल के बगल में है, उसे मैंने देखा ना, वुमेन्स का स्पेलिंग ऐसे डब्ल्यू ओ एम ई एन, इस तरह से मैं देखा था। तो मैं ये ई देखा तो मुझे लगा स्पेलिंग गलती है। बच्चों, मैं जब छोटा था तो मैंने ये ई देखा ना तो मुझे लगा इसके स्पेलिंग में गलती है, क्योंकि मैं तो वुमेन का स्पेलिंग हम लोग याद करते हैं डब्ल्यू एम ए एन। समझ में आ रहा है सांभवी? यस सर। जबकि ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ था ई एन। तो आप बताओ वुमेन का क्या होगा प्लूरल? वुमेन, बिल्कुल सही, वुमेन होगा, करेक्ट। तो ये